हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं इस चैनल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इस चैनल पे अभी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके साथ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या है, तो सबसे पहली बात है कि अभी तक आप जानते हैं कि इस चैनल पे अधिकांश जो वीडियोस हैं वो आपको किसी भी न्यूज से रिलेटेड है, नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। आपको इसी तरीके के वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने सोचा है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोगों को उस तरीके का कुछ भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, तो कि आपको बहुत कम समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल सके, ठीक है। तो अगर देखा जाए किसी भी एग्जाम के लिए, तो करेंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए इस वीडियो पे, इस चैनल पे अब क्या होगा कि करेंट अफेयर्स का एकदम, जैसे कि आप मान के चलिए कि ये चीज जब से भी मैं स्टार्ट करूं, आप ऐसा मान सकते हैं कि 2 से 3 दिन में मैं बहुत स्टार्ट करने वाला हूं ये सब चीज, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे हर दिन के हिसाब से ये बनेंगे, ठीक है। अप्रोक्स आप मान लीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हो, चाहे वो 10 हो चाहे वो 20 हो, जितने भी करेंट अफेयर्स होंगे आपको यहां से मिल जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि ये चीज जो है वो MCQ के फॉर्म में ही हो, ताकि आप लोग उस चीज को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंगली बना सकें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके साथ ये चीज करने वाला हूँ और ये सब चलेंगे, अब हमेशा ये सब चलेंगे। अब बहुत हो गया ये सब चीज, तो अब चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकेंड चीज है कि मैथ्स के लिए क्या करना है। मैंने सोचा है, क्योंकि देखिए आप लोग अपने हिसाब से तो बहुत प्रिपरेशन किए हैं, बहुत जगह से आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ा हो, चाहे वो अपने कोचिंग क्लासेस से पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी किया हो, मैथ्स आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो मैं देखना चाहूंगा कि आपका तैयारी अब किस लेवल का है। तो मैंने सोचा है कि हर दिन आपसे 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपसे MCQ के फॉर्म में आपसे पूछा जाए, ठीक है। 5 क्वेश्चन जहां पर क्या होंगे कि 5 क्वेश्चंस मतलब आपसे पूछेंगे, और हर चैप्टर का, जैसे कि आपके पास 23 चैप्टर है, चाहे वो अर्थमेटिक की बात किया जाए तब, और चाहे वो एडवांस मैथ्स की बात किया जाए तब, ठीक है, यहां पर आपसे करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो फिर वही चीज, इंग्लिश में भी बहुत सब चीज आपके साथ डिस्कस करना है, आपसे बहुत सारे चीज पूछना है मेरे से। अब देखिए क्या किस तरीके का फॉर्मेट होगा। अगर मैथ्स, मैंने सोचा कि अभी सिलेबस जो है वो सब कुछ दिन के बाद स्टार्ट करेंगे हर चैप्टर को पढ़ाना। सबसे पहले तो इस चैनल पे जितने भी जो सब्सक्राइबर है, 90% लोग तो SSC CGL 2017 और 2018 से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए फिलहाल मैं उनके लिए वर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी देखिए सबसे पहले तो क्या है कि मैथ्स में आपसे 5 से 10 क्वेश्चन ये चैप्टर के हिसाब से होगा, आपसे अर्थमेटिक के हर दिन आपसे 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उस दिन आपके साथ सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपके सामने ऑप्शंस भी होंगे A, B, C, D, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको करना होगा कि आपको कमेंट बॉक्स में आपको वो 5 क्वेश्चंस बना के और आपको कमेंट करना है कितना क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है। और वहां पे मैं सारे कमेंट को अच्छे से पढ़ के और देख लेंगे कि किस हिसाब से आप लोगों ने बनाया है। और मुझे इस चीज में आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूं, तो मैं भी उम्मीद रखूंगा कि इस इनिशिएटिव को आप बहुत अच्छे तरीके से और सीरियसली लें। और विश्वास मानिए कि जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत अच्छे लेवल का होगा। अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया है तो 1 क्वेश्चन ईजी होगा, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपसे मॉडरेट लेवल का होगा, और 2 क्वेश्चन आपसे जो होगा वो एकदम हायर लेवल का होगा, ताकि तीनों लेवल का आपसे तैयारी हो जाए। ये अर्थमेटिक के हिसाब, अर्थमेटिक से मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अगर एडवांस की बात किया जाए तो एडवांस से आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और 10 क्वेश्चन में भी A, B, C, D के फॉर्म में होगा, और यहाँ भी उसी लेवल का होगा कि 2 क्वेश्चन ईजी, उसके बाद 4 क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का, 4 क्वेश्चन एडवांस लेवल का। और ये सारे रिसोर्सेस मैं लेने वाला हूँ आपके प्रीवियस ईयर से, ठीक है। जितने भी आपके मॉडरेट लेवल हो गए, चाहे सिंपल के क्वेश्चन हो गए, वो सारे प्रीवियस ईयर से लेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज से। और जो भी आपके जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो मैंने सोचा है कि कैट के बुक से आपसे लिया जाए, और नहीं तो कोई भी फास्ट ट्रैक हो, चाहे जो भी अदर पब्लिकेशन के बुक हो, वहां से आपसे क्वेश्चन लिया जाए। इससे क्या होगा कि आपको क्या करना है कि देखिए आपने तो पढ़ा है, इसको आपको टेस्ट के रूप में लेना है, कि आपको आपको टेस्ट के हिसाब से लेना है कि हाँ यहाँ पर आपका टेस्ट हो रहा है और आपको कितने मार्क्स आते हैं,
ठीक है। अगर जिनके भी अगर जैसे कि 10 10 बाय 10 अगर किसी को आया, अगर 10 क्वेश्चन आपने सही बनाया, तो मैं उन लोगों का नाम लास्ट में लूंगा कि हाँ इन लोगों, ये मेरे जो सब्सक्राइबर है, इन लोगों ने 10 में 10 सही बनाया है। 9 तक भी चलेगा, 8 तक भी चलेगा, ठीक है। अगर आपको अगर 5 से कम बनाते हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपको अभी भी वर्क करने की जरूरत है और आप इतने लोगों से पूछेंगे पीछे हैं। यहाँ क्या होगा कि देखिए, एटलीस्ट मैं उम्मीद रखता हूँ कि कम से कम इस चीज में 1000 सब्सक्राइबर जितने भी मेरे हैं, मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर तो इस चीज को बनाएंगे, इस टेस्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई को करेंगे। अब आपको भी पता चलेगा, अब जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लोगों को आप इस चैनल पर बुलाएंगे, उससे फायदा ये होने वाला है कि आप अपने आप को देख सकते हैं लाइव कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कहाँ पे आप हैं, तो इससे आपको फायदा होने वाला है। जैसे कि अगर आप मान के चलिए कि 10 में 10 अगर कोई एक स्टूडेंट लाता है, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, इतना विश्वास मानिए, अगर एक मार्क्स लाता है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जब मैं यहाँ इस चैनल पे उनका नाम लूंगा तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनको पता चलेगा कि हाँ इतने लोगों में मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि मेरे पास इतना रिसोर्सेज तो है नहीं कि मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवा दूं, खुद की पब्लिक, खुद का सेट बनाकर आपके साथ, हाँ ये सब चीज करेंगे अगर आप मुझे इस तरीके से हेल्प करेंगे, तो ये सब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि अपना मॉक टेस्ट, अच्छा अच्छा क्वेश्चंस, हर तरह का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूं वो टाइप वाइज के हिसाब से पूछूं, ताकि आपका जो है किस हिसाब से आपका टाइप वाइज कमांड है वो भी मैं देख सकूं, ठीक है। करेंट अफेयर्स तो हुई गया, करेंट अफेयर्स में ज्यादा कुछ करना नहीं है, करेंट अफेयर्स में सीधे सीधे जितना भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि बहुत कम टाइम में मैं चाहता हूं कि ये सब चीज आपको अवेलेबल हो जाए, जैसे कि ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उसका सॉल्यूशन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या तो उसी दिन आपसे डिस्कस कर लेंगे सॉल्यूशन, और नहीं तो कल होकर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपके साथ हो जाएगा। इंग्लिश में क्या करना है कि इंग्लिश में उसी तरीके से करना है, हर दिन आपसे जो है एक छोटा छोटा सा वीडियो होगा जहां पर 10 क्वेश्चन आपसे वन वर्ड का पूछ लिया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ आपसे होगा तो इडियम्स पूछ लेंगे, ठीक है, इडियम्स आपसे करवा लेंगे। उसके बाद होगा तो कुछ आपसे साइनोनिम्स, ये सब हो गए आपसे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब हर दिन इस हिसाब से अगर रहेगा ना। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप वहां से उस चीज को आप अपना पढ़ भी सके। और टेलीग्राम ग्रुप जो होगा वो कुछ दिन के बाद लिंक डालेंगे, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश में जैसे कि क्लोज टेस्ट हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो भी नए होंगे ग्रामर के रूल्स हो गए, ये सारे चीज मतलब कि इस तरीके से करना है। तो इस चीज में अब धीरे धीरे स्टार्ट अब सोच लिया करने का तो कर ही देंगे अब, क्योंकि मैथ्स का और करेंट अफेयर्स का ये दोनों चीज तो एकदम आपसे डेफिनेटली आपसे समझ लीजिए कि ये सब चीज कल परसों में तो स्टार्ट हो ही जाएगा। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग दिल खोल कर सपोर्ट मुझे कीजिए, ताकि मुझे ये सब चीज करने में मतलब मोटिवेट मिले, अपने आप से मोटिवेट हो कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, सही चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना हो सके आप इस चीज को मतलब शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, समझ गए। और इस एसएससी क्रैकर्स चैनल को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, बहुत लोगों को बुलाइए अपने साथ में स्टडी करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, मन लगेगा, कुछ नए तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ करना था। अगर आपको अपना कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएगा कि ये चीज स्टार्ट करने से आप लोगों को बेनिफिट होगा, और अगर आप बोलेंगे सॉरी तो लाइव भी आके आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।